तो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस की पहली क्लास में हम एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं बाकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि एमएस ऑफिस में हमारे पास एक्सेल है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एंड आपका एमएस एक्सेस डेटाबेस है। तो ये सब जो है राइट एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस में आते हैं। और हम इस बात को पहले बता दें कि ये किस किस पर्पस से कौन कौन सॉफ्टवेयर है हम अपने ऑफिशियल लाइफ में यूज करते हैं, एक बार हम उनको ही आपके बारे में बता देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल का यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए या डेटा मेंटेनेंस के लिए। आउटलुक का अच्छा यूज होता है मेलिंग के लिए, मेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या मेल्स को हैंडल करने के लिए। ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है वर्ड का, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए पावर पॉइंट्स का, और डेटाबेस को स्टोर रखने के लिए एज ए डेटाबेस यूज होता है एमएस एक्सेस डेटाबेस का। तो हम आपके साथ वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि वर्ड एप्लीकेशन 2016 है, ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे बताया कि वर्ड का यूज होता है, एमएस वर्ड का जो यूज होता है लेटर ड्राफ्टिंग के लिए होता है, कि आप किस तरीके से अपना लेटर ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सबसे पहले हम जब भी हम वर्ड खोलते हैं, तो आपके आपके सामने ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट और इस तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, तो इसको सबसे हाँ पहले जी देखिए, ये फर्स्ट विंडो ऑफ द एमएस वर्ड है। राइट साइड में आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि आपने जो फाइलें खोली है उन फाइलों का लिस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ना कि एक ही फाइल पे आप बार बार काम करते हो, तो बार बार उस लोकेशन में जाके उस फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वर्ड खोलते हो या रिसेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अदरवाइज आप ब्लैंक चाहते हैं तो आप ब्लैंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। या दूसरा चीज, यहाँ आपको जो है टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स इट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपको दिए हैं यूज करने के। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि अभी आप वर्ड में बिगिनर हैं और आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको एक चीज बना के भेजनी है, ठीक अच्छा है, एक इवेंट का ग्रीटिंग कार्ड भेजना है, या कोई सर्टिफिकेट बनानी है, या कोई पिछले मतलब कुछ थैंक्स कार्ड बनाना है, लेकिन आपको या कोई मेनू बनाना है, इवेंट मेनू बनाना है, बट आपको उतना भी एक्सेल का नॉलेज, इसका मिस वर्ड का नॉलेज नहीं है जो कि आप बना सकते। तो आप यहां से फाइंड कर सकते। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेट का, मुझे सर्टिफिकेट बनाना है और सर्टिफिकेट्स के लिए चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतना अच्छा वर्ड नहीं जान रहा हूँ कि मैं सर्टिफिकेट खुद तैयार कर सकूँ। तो मैंने होम मेन्यू के सर्च पे जाकर सर्टिफिकेट सर्च किया, तो इंडिया रीजनल सर्टिफिकेट नेम, सैंपल आ गया आपका। हाँ, टेम्पलेट आ गया। अब सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जस्ट इसको क्लिक करना है एंड डाउनलोड करना है। एक अच्छी चीज है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा वर्ड में, क्योंकि जब तक आप इसमें अच्छी तरीके से सीखेंगे नहीं, तब तक बना नहीं पाएंगे। बट टेम्पलेट जो है आपके यहाँ बना बना देता है, बस यहाँ पे एडिटिंग करना है, जहां जहां जो नाम चाहिए नाम डाल दीजिए और डिजिट करना है डिजिट कर दीजिए, और उसको मिल जाए और सर्टिफिकेट तैयार हो जाए, एकदम फॉर्मेटिंग सर्टिफिकेट या फॉर्मेटिंग, जो भी आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं। ओके okay. तो ठीक है, हाँ जी, जी तो ये समझ में आया आपको? तो हाँ जी टैंपलेट का यूज आ गया समझ में। टैंपलेट किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी सर्टिफिकेट या कोई कार्ड बनाना हो या कुछ भी ऐसी चीज हाँ, को। कुछ ऐसी चीज बनाना, कुछ ऐसा बने कि पॉपुलर फॉर्मेट है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, बट
ये आपकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो पॉपुलर रिक्वायरमेंट है जैसे कि रिज्यूम हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, मेनू बार हो गया, इवेंट कार्ड हो गया, थैंक्स कार्ड हो गया, या फिर कवर लेटर हो गया, जी ठीक है। तो ऐसे जो पॉपुलर टाइप पॉपुलर आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी दिया गया है और यहाँ पे आप अपना सर्च भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन करते हैं तो आपका नया एक नई फाइल यहाँ खुल के आती है। अब फाइल में आगे काम करने से पहले, जब भी फाइल में नया काम करेंगे करने से पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। वो सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो काम कर लेते हैं उसके बाद सेव करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर काम करते करते आपके वर्ड हैंग हो गया या किसी कारण से आपकी पीसी बंद हो गई तो आपका पूरा का पूरा वर्क जो है, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आपने आप राइट किया है उस सारा लॉस्ट हो जाए, ठीक है। ओके ऐसा नहीं कि आपको सेव करना ही पड़ेगा, आप बिना सेव किए भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मेरा फाइल बंद हो गया तो मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम फाइल को सेव करें। सेव पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके रिसेंट आप काम करने की आपको वर्ड को बताना पड़ेगा कि किस लोकेशन में हमको सेव करना है। अगर आपने लोकेशन नहीं बताओगे कि आपको वर्ड ये फाइल को कहाँ सेव करना है, कहाँ सेव करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉपुलर है जो कि हमने बार बार जो सेम सेव किया है रिसेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कि बार बार जिस लोकेशन मैंने सेव किया है वहां का है लोकेशन। वन ड्राइव, आपको पता है वन ड्राइव क्या होता है? नहीं ये नहीं पता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में एक और सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का पता है? क्लाउड कंप्यूटिंग पता है ना? नहीं आप बता दें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि जब भी आप ऑफिस 365 नाइन का एक प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं तो उसके सर्वर पे आपको एक स्पेस मिलता है, उसको हम वन ड्राइव कहते हैं। जैसे गूगल ड्राइव आपको मिलता है, गूगल ड्राइव हो गया, हाँ वो पता है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ऐसी तरह से आपको वन ड्राइव भी मिलता है जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अच्छा यानी कि वन ड्राइव वो जगह है जहां पे हम अपने कोई भी चीज सेव कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी जगहों पे सेव करते हैं। हाँ जैसे आपके कंप्यूटर में सेव करते हैं उसे सेव कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर सेव होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि अब मान लीजिए कि आप जो है कई जगहों पे कई पीसीओ पे काम करते हो या फिर आपके पीसी चेंज होते रहते हैं या इन फ्यूचर में आपके पीसी चेंज होंगे तो आपके सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट का बैकअप आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपका लैपटॉप चोरी हो गया तो आपके सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो लॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन परचेज किया है तो वो आपको क्लाउड में एक वन ड्राइव में आपको जो एक स्पेस देगा, आप यहाँ से बस आपको साइन इन करना है। साइन इन कीजिएगा, आईडी और पासवर्ड डालिए, तो आईडी और पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा, वहां पे सेव कीजिए और कहीं भी उसको सेम लॉगिन कीजिएगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वापस दे देगा, डाउनलोड कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी है। एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। या फिर आपने पीसी में कर सकते हो, या आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप सीधे ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली का आ जाएगा। लोकेशन पर सेलेक्ट कीजिए और अपना यहाँ नाम दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं नाम। और ध्यान रखिएगा कि नाम जब भी दीजिएगा तो कुछ ऐसा नाम दीजिएगा जो कि उस डॉक्यूमेंट रिलेट करता रहता है, ठीक है। उस जो आप वर्ड फाइल बना रहे हैं जिस पर्पज से, उस पर्पज को रिलेट करेगा, कुछ इस तरह से नाम दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में उसको ढूंढना आसान हो। अगर वर्ड फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो एक चीज और कीजिएगा, उसके ऑप्शन पे
ऑप्शन पे जाके यहाँ यूजर नेम आपको दिखेगा, इस यूजर नेम को अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यूजर नेम क्या है? यूजर नेम ये है कि जब भी आप उस फाइल पे कोई भी कर्सर रखेगा तो उसके बारे में उसको पता चलेगा, या फिर पता चलेगा कि आखिर मुझे पता करना है कि इस डॉक्यूमेंट को किसने बनाया है, या मान लो सर्टिफिकेट है इसको किसने बनाया है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो यहाँ पे इसके डिटेल्स में मेरे सिस्टम में शायद नहीं आ रहा नाम, आना चाहिए मेरे सिस्टम पे, आना चाहिए ना, ओ सॉरी मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपके सिस्टम पे आएगा, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको ये आएगा ऑथर नेम, ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जब सेव कर लेते हैं फाइल्स, तो अगर हमें उस फाइल को चेक करना है कि कहाँ पे किसने बनाई है, तो अगर हम उस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि किसने हाँ बनाई है, राइट? थोड़ा मतलब कि उसकी लोकेशंस पे आप जा, स्पेसिफिक। हाँ उसकी लोकेशंस पे आप जाएंगे ना, उस पे जैसे आप कर्सर रखेंगे तो जैसे आप दिख रहा है ना टाइप साइज, ऐसे यहाँ नीचे ऑथर नेम भी आता है, पर मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसका आंसर नहीं आता है, अच्छा, चलो ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरे दूसरे वाले सिस्टम पे आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, अच्छा ठीक है। जी, तो अब उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट समझ में आया? उसका बेनिफिट, किस चीज का बेनिफिट पूछ रहे हैं? इस ऑथर का ये उसका ये बेनिफिट है कि जब आपने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसने वो बनाया है, किसका लिखा है, तो उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, राइट? यही पूछ रहे हैं ना आप मुझसे? हाँ, नहीं, आप अपना कुछ कुछ ऐसा ट्रांसलेट बनाते हैं और किसी को भेजते हैं, आपको जी ये पता चल जाएगा कि आखिर किस उस पर्टिकुलर पर्सन को पता चल जाएगा कि आखिर इसको किसने बनाया। क्या पता चल जाएगा, दोबारा बोले? हाँ, इस फाइल को किसने बनाया है? वही तो मैं कह रही हूं, मतलब ये कि वो उसकी डिटेल्स में पता चल जाएगा ना कि ये कंपनी और किसने भेजी, राइट? हाँ हाँ राइट, मगर ये सब जो जो आप मुझे बता रहे हैं, ये जाके जब मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगी और उसकी फाइल्स को खोल के सर्च करूंगी तो तब पता चलेगा, राइट? यही बताया ना राइट आपने? राइट। ठीक है, मतलब जी ये ऑथर नेम क्या होता है, ताकि आप मतलब कि आपका नाम हर जगह है, जैसे आपने कोई बुक लिखा तो उस बुक में आपका नाम जरूर लिखोगे ना, जी ताकि जो भी पढ़ने वाले हैं उसको पता चले कि हाँ इस बुक को आपने लिखा है। सेम थिंग ये हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ये हर किसी को पता चलना चाहिए कि हाँ दिस डॉक्यूमेंट राइटिंग फॉर यू, तो उसके लिए हम ऑथर नेम देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट आपका नेम नहीं लेता है, वो लॉगिन आईडी लेता है, यूजर नेम इसको बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऑफिस में आप काम करते हो तो यूजर नेम जो है कुछ अजीब सा होता है, जैसे कि SBIN 123 इस तरह के नाम होते हैं ना, User 1 इस तरह के नाम होते हैं, ठीक हाँ, यूजर वन टाइप के नाम होते हैं। हाँ है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि आप इसका ध्यान रखिएगा, तो आपको यहाँ एक्सेल ऑप्शन में जाके चेंज करना है। तो चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि फिर आपका वो मतलब कि जो ऑथर नेम मतलब ऑथर नेम है वो आपके अकॉर्डिंग है, इसलिए बनाना होगा। तो आपने फाइल सेव करना सीख लिया कि किस तरह से हम अपने पर्टिकुलर फाइल को सेव करेंगे, किस तरह से टेम्पलेट यूज करेंगे, ये सारी चीज आपने जाना, अच्छा, सही। ठीक है। अब यहाँ फाइल मेनूबार में आते हैं तो एक इन्फो है जहां पे आपको फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कितने की साइज का है, क्या है, किसने बनाया, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी कुछ हाँ चीजें हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। न्यू जहां से आप नई फाइल या फिर नया नई टेम्पलेट्स लेते हैं, ओपन जहां से आप पर्टिकुलर क्रिएटेड फाइल को ओपन करते हैं,
राइट जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, भी फाइल्स है यहाँ रिसेंट आ जाते हैं फाइल, अगर रिसेंट लिस्ट में नहीं है तो फिर ब्राउज बटन में क्लिक करके आप अपने उस लोकेशन पे जाएंगे और फिर उस फाइल को ओपन करें। हाँ, मगर ये मुझे एक सेकंड मुझे पूछना था, ब्राउज करके हम उधर जाएंगे और फाइल को ओपन करेंगे और फिर हमें जब पता करना है कि वो फाइल किसने की है तो उस पर एक क्लिक करेंगे तो उसका सारी हिस्ट्री आ जाएगी, राइट? ये बताया था ना आपने, हाँ, मुझे याद हो गया, सही। एक्चुअली मुझे दूसरी थोड़ा थोड़ा पता है, तो वो आप जब बता रहे हैं तो वो मुझे याद आ रहा है, हालांकि मैं ये तरफ इतना इस्तेमाल नहीं करती, मगर ये मुझे बातें हाँ, काफी मतलब पता है। अगर मान लो कोई पुरानी फाइल आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोला मैंने आपको, वो ओपन कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए ना कि अभी मैंने से काम किया यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा द, मान सेव किया लीजिए, और फिर नाम दे देंगे फाइल को जो भी, हाँ ना, उसको नाम तो ऐसे। मैंने दे दिया लेकिन मैंने कुछ काम किया, मैंने मैंने टाइप मैंने किया, अच्छा ठीक है। अब मुझे अभी टाइप किया है तो अभी उसको वापस मुझे सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। सेव एज नहीं, सेव एज कब करना होता है, जब हमें किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करना है। लेकिन सेव क्या होता है कि हमने कुछ इसमें चेंजिंग किए हैं तो सेव कीजिए ताकि इस फाइल में जाके सेव हो जाए। तो जब भी चेंजिंग करेंगे तो आपको बीच बीच में तो सेव करते रहना है, ठीक अच्छा ठीक है? है। अच्छा तो बीच बीच में से आप जो है इसको सेव करते रहिएगा। तो बार बार सेव का बटन दबाते हैं। जैसे आप काम खत्म किया आप सेव का बटन दबा लो, जैसे आपने काम किया आपने सेव का बटन दबा लो, बीच बीच में काम कर देते, क्योंकि मान लीजिए कि अगर काम फाइल मान लो कि लंबा डॉक्यूमेंट टाइप करो, 20-25-50 पेज का डॉक्यूमेंट टाइप करने जा रहे हैं और बीच में आपका वर्ड हैंग हो गया, आपका फाइल बंद हो गया या किसी पावर चली गई, कुछ हो सकती है, तो ये तो आपने मान लो कि यहाँ तक आपने सेव किया तो ये सारे डॉक्यूमेंट हट जाएगा, लेकिन बीच में सेव करते रहेंगे तो अगर हैंग होता है तो पूरा डेटा ही आपका लॉस होगा, पूरा डेटा लॉस नहीं, ठीक है? जी इसलिए मैंने आपको तो सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल 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 एस। एस तो उससे सेव हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कर्सर रखिए दिख कंट्रोल, जाए, उस अच्छा पे कंट्रोल क्लिक सी करो, से भी होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। अब अच्छा कंट्रोल सी से कॉपी है। मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल एस, यहाँ पे जो कंट्रोल एस दिख रहा है, कंट्रोल एस स्पेस मैंने कहीजिएगा या फिर सेव हो जाएगा या फिर फाइल मोनी में यहाँ पे सेव कर सकते। सेव एज कब होता है, जब आप इस फाइल को जैसे कि मान लो कि मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने कुछ अपने आर्टिकल लिख रखे हैं, ठीक है? अब मुझे इसी आर्टिकल में थोड़ी सी चेंजिंग करके किसी और को देनी, जैसे रिज्यूम वगैरह होते हैं ना, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंजिंग करूँ, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट में सिंपल होता है, नाम वगैरह चेंज होता है। ऑफिस में मान लो आपने एचआर में ज्वाइन किया और आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना होता है, तो टर्म एंड कंडीशन तो सबके लिए होता है, बस उसकी डिटेल चेंज करनी पड़ती है क्या? तो उस केस में हम इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, मतलब कि एक और कॉपी बनाने के लिए दो तरीके, एक कि जिस लोकेशन में आपका वो डॉक्यूमेंट सेव है, जैसे डॉक्यूमेंट सेव है हमारा मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट में फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आप इसी को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हुए आप इसको ड्रैग कीजिए, एक कॉपी बन जाएगा, कॉपी बन गया। कॉपी बन गई। नहीं एक सेकंड दोबारा बताएं, जब अगर आप कह रहे हैं कि अगर इसको कॉपी बनानी है तो तो वापस इसको डॉक्यूमेंट फाइल, जहां पे आपका लोकेशन सेव है उस पे जाइए, उस फाइल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल हाँ प्रेस करके उसको ड्रैग कीजिए, कंट्रोल एस करके। नहीं कंट्रोल सिर्फ ओनली पर कंट्रोल को प्रेस कीजिए और क्लिक अच्छा करके उसको ड्रैग कीजिए,
तो फिर वो कॉपी बन जाएगी उसकी। हाँ क्लिक करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्लिक करते हुए ड्रैग कीजिए। अच्छा ठीक है, क्लिक करना है कंट्रोल हाँ से, तो क्लिक करना है कंट्रोल, और फिर उसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो कॉपी बन जाएगी। हाँ कॉपी बन जाए, या फिर अच्छा आप इसको ओपन कीजिए और फिर इसको सेव एज कर दीजिए। ओके सेव एज कर दीजिए किसी और लोकेशंस में, और जो भी नाम ना दें, मैंने बोला फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू, या कॉपी जो भी नाम देना चाहते हैं आप, नाम देके आप उसकी एक नई कॉपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू हो गया, वो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वन बंद हो गया और आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू ओपन हो गया जब आप सेव एज किए। अच्छा एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे एक और डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो पहले उसको नाम देके फिर उसको सेव एज करेंगे तो वो इधर वर्ड पे आ जाएगा जहां हम लिखा हुआ ऑलरेडी लेटर। नहीं, आप नहीं समझे क्या हुआ कि ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा है ना, इसका एक और हाँ ये तो बना, आपने इसे इसमें हम चाहते हैं कि एक और फाइल बने जिसमें सब कुछ सेम हो, बस नाम हो जाए, नाम कुछ और हो जाए, समझ गए? उसपे आपने कहा था कि उसके कंट्रोल लिए क्या दबा करें? के। हाँ हाँ वो तो एक और, वो तो एक तरीका है, एक दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, वो तो एक और तरीका हो गया, एक और दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ओपन करें, ओपन कर ठीक लिया उसके बाद आप फाइल मेन्यू में जाए और सेव एज करें। सेव है एज करने के लिए ब्राउज पे जाके अपना लोकेशन सिलेक्ट करें, कहाँ सेव करना है और नाम क्या देना है। हमने यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट डैश थ्री दे दिया। राइट अब क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन है ना, देखे ना ओपन है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जी पीछे ये फर्स्ट हाँ हाँ डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और उसकी एक कॉपी फर्स्ट डॉक्यूमेंट डैश थ्री जो है वो ओपन हो जाएगी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट थ्री जिसमें सब कुछ डेटा सेम है। बात समझे? ये बात मुझे समझ आ नहीं रही है। सिंपल सी बात समझिए ना कि अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा था और यहाँ पे नेम मैंने लिखा हुआ है, राइट? अब मुझे क्या है कि ये तीन लोगों को भेजना है, एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि कुमार, ठीक है राइट? जी और इस फाइल को मैंने सेव एज कर दिया रवि कुमार के नाम से, राइट रवि कुमार के नाम से, राइट? तो रवि कुमार का नाम का एक फाइल हमारा क्रिएट हो गया जो कि यहाँ ओपन भी है। अब मुझे क्या करना है कि इसी फाइल में मैं चाहता हूं कि एक सुशील कुमार का फाइल भी नाम भी देना है। तो अगर मैंने यहाँ पे सुशील कुमार लिख दिया तो रवि कुमार की फाइल में नाम सुशील कुमार आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सुशील कुमार के अलग फाइल बनना चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि सेव करने के जगह पे सेव एज कर दिया और फिर जाके हमने सुशील कुमार का नाम दे दिया, समझ गए? तो हाँ अब समझ में आ गया। समझ आ गया ना, तो मेरे पास दो फाइल बन गए, एक फाइल बना रवि कुमार का और दूसरा फाइल बना सुशील कुमार का। तो यानी कि नाम चेंज कर दिया आपने मगर कॉपियां आपके पास दो आ गई क्योंकि आपने सेव एज करके उसी को सेव किया था राइट। अभी वैसे मुझे समझ तो आ गया मगर अभी जब एप्लीकेशन होगी तो पता चलेगा कि क्या समझ आया। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कैसे मुझे, ठीक ठीक है है? जी। तो इस तरह से कई सारे, एक ही फाइल कई सारे कॉपी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि एक ही फाइल आपके पास है उसको कई सारे कॉपी कैसे बनाएंगे, उसका तरीका था कि खाए तो आप ड्रैग करके कॉपी कर दें, तो ड्रैग करके कॉपी करने पे क्या होता है फिर उसको चेंजिंग करने के लिए ओपन करके उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। सेव एज में क्या है कि आप ओपन है आपका और चेंज करते चले जाएगा, तो सेव एज थोड़ा सा आसान पड़ता है, अच्छा ठीक है? तो सेव एज थोड़ा सा आसान पड़ता है इसलिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। जी आप इसके बाद मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है कि हम प्रिंट तो करते ही करते हैं, तो चलिए हम आपको प्रिंट के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्रिंट करना मुझे आता है। हाँ, प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट में दो चीजें हैं कि नंबर ऑफ कॉपी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉपी कितना होना चाहिए, राइट। प्रिंटर कौन सा होना चाहिए, जो प्रिंटर का प्रिंटर सिलेक्ट कर ले, प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे इस्तेमाल करते इसको। उसके बाद ऑल पेज करना है या तो पर्टिकुलर पेज को करना है, तो ये आपको प्रिंटर की सेटिंग्स होते हैं, पेज कोलेट करना है या लैंडस्केप करना है, इसके बारे में सेटिंग्स के बारे में आगे ध्यान बताएंगे। और यहाँ पे आपका व्यू होता है कि आपका पेज कैसे कितना प्रिंट किस तरह का प्रिंट आएगा उसका व्यू यहाँ होता है। अब एक शेयर है, अब मान लीजिए कि मुझे इस फाइल को शेयर करना है। एक तो होता है कि हम उसको वन ड्राइव में शेयर कर दें या ईमेल कर दें या ऑनलाइन, हम हमारे पास एक सीए होता है, मतलब कि ऑनलाइन हमें पेज रिक्वेस्ट करना है तो ऑनलाइन में बहुत सारे होते हैं। एक शेयर ड्राइव होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया ना आपको, उस पे भेजना है, या फिर हमारे ब्लॉग में, अगर हमने ब्लॉग के साथ इसकी लिंकिंग कर रखी है तो ब्लॉग में किस तरह से हम करेंगे, office.com के ब्लॉग में, ठीक है। तो ये सब चीजें के बारे में हम आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन शेयर में मेलिंग होता है कि आपको किसी को मेल करना है, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे ना मेल, तो सेंड एज अटैचमेंट या सेंड एज ए पीडीएफ अटैचमेंट, दो चीजें आप यहाँ पे हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपने, अच्छा हाँ, आउटलुक को खोलेगा और इस फाइल को अटैच करके उसको मेल कर देगा। देखिए हाँ तो डॉक्यूमेंट भेज दो। को अटैच कर दिया ना इसने। अब यहां पर अपनी मेल आईडी डाल के आप उसको किसी को मेल कर सकते ये तो मुझे पता है बस। ठीक है हैं, ठीक है। तो यहां आपका मतलब कि शेयर में हम ईमेल यूज करते हैं। एक्सपोर्ट होता है कि आप उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्लोज क्लोज कर लीजिए। और अकाउंट टाइप मिलता है वही ना आपको, कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट है जो कि वन टाइप आपसे मिल जाएगा, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शंस में हम कुछ मोटी चेंजिंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, जिस जैसे जरूरत पड़ेगी आपको बताते जाएंगे। क्योंकि एक और यूजर नेम मैंने आपको बताया, उस तरह से बहुत सारे सेटिंग्स हैं, फिलहाल सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं, तो सीखोगे तो इसका सेटिंग जो है समझ में आपको आ जाएगा। अब बात आती है कि शॉर्टकट लिस्ट या किसी भी ऑप्शन के बारे में मुझे पता करना हो तो कैसे पता करूं। सॉफ्टवेयर के बारे में पता करना है आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे आप इसमें बताएं कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, तो इन फ्यूचर में मेरी क्लासेस अगर आप लेने के बाद कुछ चीजें भूल जाते हो, लेकिन थोड़ा सा हाँ रिफ्रेश करने पे वो चीज आपको दिमाग में आ जाएगी। तो कैसे आएगी, तो उस केस में हम जब इस पर कर्सर रखेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स, कि किसी भी ऑप्शंस के बारे में पता करना हो बस उस पर आप कर्सर रखिए, तो कर्सर रखते ही उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाता है। अब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो टेल मी मोर पे चले जाइए। टेल मी मोर पे जाने के बाद क्या होगा कि आपको वर्ड का हेल्प खुल के आ जाएगा, जिसको हम लोग यूजर मैनुअल भी कहते हैं, तो वहां पे एक्सेल हेल्प आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा ये चीजें आपके यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन ढूंढना होता है तो आप लोग गूगल हेल्प पे जा गूगल पे जाके सर्च करते हैं, बट गूगल पे जो चीजें दी होती है वो 100% प्रूफ रीडिंग के साथ नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो भी हमें ढूंढना होता है उसको हम लोग एक्सेल हेल्प पे ढूंढेंगे, क्योंकि 100% प्रूफ रीडिंग के साथ यहाँ पे होता है। जैसे मुझे शॉर्टकट ढूंढना है, शॉर्टकट जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऐसे शॉर्टकट है ना, जी तो मुझे किसी भी ऑप्शन का शॉर्टकट पता करना है, या फिर मैं जितने भी शॉर्टकट्स हैं उनका लिस्ट चाहता हूं, तो मैं एक्सेल हेल्प में जाऊंगा और यहां पे सर्च करूंगा।
शॉर्टकट, ओके okay. या शॉर्ट की या शॉर्टकट सर्च कीजिए, सर्च करते ही यहाँ पे इसका सर्च आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके शॉर्टकट लिस्ट यहाँ आ गया। इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हम आपको शॉर्टकट्स बहुत कम बताएं, क्योंकि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ पे कौन सा ऑप्शन अप्लाई किया। माउस पॉइंटर से आपको पता चल रहा है, राइट। इसलिए मैं शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में ही आपको शॉर्टकट्स निकालना सिखा दिया कि आप अपने ऑप्शन का शॉर्टकट्स कैसे निकालो। ये एक्सेल हेल्प पे जाके आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। मगर ये आपने बताया ये सारे वर्ड में ही निकल सकते हो, कहीं और नहीं निकल सकते? हाँ, वर्ड में ही निकलेगा ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट चाहिए आपको तो उसकी हेल्प में चल जाके सर्च कीजिए, शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन। अच्छा सही, ठीक है, समझ गई मैं। जी जी यहां से इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। ऑल राइट, राइट। उसी तरह से कुछ और सर्च करना है तो वो भी सर्च कर सकते हैं आप इस शॉर्टकट हेल्प के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे है जिसकी शॉर्टकट मुझे याद नहीं रहती है या फिर उसका शॉर्टकट है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करते हैं। ऑल्ट की, जैसे आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप ऊपर मेनू बार में देखेंगे कि एक लेटर सारे मेनू बार के ऊपर आ जाता है। ऑल्ट, सिर्फ ऑल्ट दबाने से? हाँ, सिर्फ ऑल्ट दबाने से। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे अब होम मेनू के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे होम मेनू के नीचे क्या है, एच करेक्टर है जी, इस एच को मैं अपने कीबोर्ड का एच प्रेस करूंगा तो मेनू बार के जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो हाईलाइट हो गए। अच्छा, अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है, मतलब कि देखिए कलर करना है, तो इसके नीचे क्या है, आई है, मतलब आई अपने कीबोर्ड में मैं आई प्रेस करूंगा तो इसके अंदर चला जाए कि फिर मैं अपने एरो की से अपना अपना कलर सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। मैं एक और बताता हूं कि मैंने मुझे कोई मेनू बार में कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को करना है, मान लीजिए मुझे इसी को करना है, राइट, तो मुझे इसका शॉर्टकट पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की अपने कीबोर्ड का ऑल्ट बटन जो है उसको प्रेस करूंगा तो मेनू बार में करेक्टर आ गए। अब जो हम सेंटर करना चाहते हैं वो होम मेनू के अंदर है, मुझे पहले होम मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, तो होम मेनू के अंदर जाने के लिए होम मेनू के नीचे क्या है, एच बटन है, एच करेक्टर है, तो अपने कीबोर्ड में मैं एच प्रेस करूंगा तो मेनू बार के जितने बटन है सब हाईलाइट हो गए। अब सेंटर करने के नीचे क्या है, ए सी, अलाइन सेंटर, ए सी, तो मैं अपने कीबोर्ड का ए सी प्रेस करूंगा तो ये अप्लीकेबल हो गया। सही है, तो इसी तरह से बाकी लेटर्स को भी कीबोर्ड के जरिए प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शॉर्टकट्स को आप एक्सेल हेल्प में, इसमें एमएस वर्ड के हेल्प में जाइए और शॉर्टकट को सर्च कीजिए और उसकी जो शॉर्टकट लिस्ट है उसको पढ़िए और मेनू बार के शॉर्टकट से उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम किसी पर्टिकुलर फाइल ओपन करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट कब लेंगे और टेम्पलेट कब लेंगे, हम फाइल को सेव या सेव एज कैसे करेंगे, हम पर्टिकुलर फाइल को ओपन कैसे करेंगे और बाकी जो फाइल मेनू बार के ऑप्शन है उनके बारे में सीखा, ऑथर के बारे में सीखा और उसके बाद हमने शॉर्टकट्स के बारे में आपको सिखाया। सही, कल से हम होम मेनू की, हमारा होम मेनू है उस होम मेनू के साथ हम डिस्कस आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से मिलेंगे, हम होम मेनू के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा सुने, आपने मुझे 10 बजे करीब